तो अब ये देख सकते हो सामने सारी ये नॉर्दर्न लाइट्स दिख रही है पूरी की पूरी, और ब्लू और ग्रीनिश कलर का रहा है, ये भी पूरी की पूरी नॉर्दर्न लाइट्स ही हैं। बेस्ट लोकेशन मिलेगी नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए। Hey, what's up, गौरव बैक विद द वीडियो गाइस। इस वीडियो में जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ नॉर्दर्न लाइट्स, या फिर जिसको जो है अरोरा लाइट्स भी बोलते हैं। तो ये कैलगरी में दिखती है, कनाडा में दिखती है, रशिया में दिखती है, और भी बहुत सारी कंट्रीज जैसे फिनलैंड वगैरह, नॉर्वे वगैरह में दिखती है। तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ आज ये कैलगरी के पास कैसे दिखती है एल्बर्टा में जो है। तो आपको मैं लेके चलता हूँ, और कैलगरी में भी दिखती है एक्चुअली, डाउनटाउन वगैरह में भी दिखती है। तो मैं थोड़ा कैलगरी से बाहर की तरफ जा रहा हूँ, अराउंड 30 किलोमीटर या ऐसा कुछ डिस्टेंस है। तो मैं जिनके साथ जा रहा हूँ मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा, और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आज हमें जो है नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलती है या नहीं मिलती, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बने रहना इस व्लॉग के अंदर, और आई होप कि काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग बनने वाला है। तो गाइस अभी मैं भैया को मिलने के लिए आया, और आपको भी मिलाते हैं, और इनके साथ ही मैं जाऊंगा अभी नॉर्दर्न लाइट्स देखने। तो भैया इंट्रोडक्शन आप दोगे? हमारा नाम अरुणभ है, हम ऑरोरा बैंड के प्रमुख संचालक है। आइए हम करते हैं स्टूडियो टूर, और हमारे मित्र सभी मिलाते हैं। मेरा नाम मनोज है, मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ देखने के लिए पहली बार आज। आप भी फर्स्ट टाइम जा रहे हो? कुछ नहीं, सुपर एक्साइटेड। नॉर्दर्न लाइट्स देखने में मजा आएगा। अभी बादल है वैसे बाहर, पर बट केपी हाई है, और 95% चांस है कि नॉर्दर्न लाइट्स दिखेंगी कैलगरी के पास, तो जाएंगे। तो हम भी चांस लेके देखते हैं, पर अभी पहले हम कीबोर्ड बजाएंगे। बिल्कुल सर। तो अभी भैया हमें बजा के दिखाएंगे कुछ गाना, भैया प्रो है ना। ये कब हो? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे आप प्रो ही हो। ओके देखते हैं। बहुत सही, बहुत सही। अभी आपकी बारी सर। मेरी बारी? आपको यही गाना बजाना है। यह गाना बजाना है? बहुत आसान है। तो अभी हम बजा के देखते हैं। आता तो नहीं है वैसे मेरे को बजाना, बट आप कह रहे हो तो ट्राई करेंगे। बहुत बढ़िया। मेरे को दो हो जाता है फिर। ये थर्ड से तो ना हो पाएगा, बट वो आप रो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बस करते हैं ट्राई, आखिरी कोशिश। वेरी गुड। आप सिखा रहे हो तो फिर तो सीख ही जाएगा। सीख जाएगा। तो गाइस हम आए हैं यहाँ पे गोस्ट लेक पे नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए, बट अभी तो अविजिबल नहीं है यहाँ पे। अभी टाइम हुआ है कुछ 11, बट स्टिल इट्स नॉट विजिबल। तो गाइस ये एक अरोरा का ऐप है, जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि कितना केपी है, और आपको कहाँ पे बेस्ट लोकेशन मिलेगी नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे अभी हम कैलगरी की तरफ हैं। तो यहाँ पर हमारी लोकेशन दिखा रहा है, और यहाँ पर और ऑप्शंस है कि कहाँ कहाँ पे बेस्ट लोकेशन है। मोस्टली ये US का ही दिखा रहा है अभी इसके अंदर। और अगर हम इस पे जाते हैं तो ये आप रेड देखोगे तो इसका मतलब केपी 5 के ऊपर है। तो इसमें आपको अगर 5 के ऊपर है, लाइक 7 है, 8 है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ दिखा भी रहा है दिस स्काई इज क्लियर एंड डार्क, देयर इज 95% चांस। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं। तो ये भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो सकता है तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सगा साहब आप ये देख सकते हो सामने सारी ये नॉर्दर्न लाइट्स दिख रही है पूरी की पूरी, और ये फोटोज में ज़्यादा अच्छा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू वीडियो एंड
आई डोंट नो कि एडिटिंग के बाद भी कितना ये सेव हो जाएगा वीडियो के अंदर, बट ये पूरी नॉर्दर्न लाइट्स दिख रही है। मैं फ़ोटो भी स्क्रीन पे लगा दूंगा सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स थी। और अभी केपी भी अराउंड लाइक 8.5 और 9 था जब हमने लास्ट चेक किया था, और अभी पूरा का पूरा स्काई ये नॉर्दर्न लाइट से ही कवर्ड हुआ हुआ है यहाँ पे। तो आपको अगर मैं यहाँ पे कैमरा घुमा के भी दिखाऊं तो यहाँ पे भी सारी ग्रीन वाली और इस तरफ सारी पर्पल हुई हुई है नॉर्दर्न लाइट्स। सगत आप ये देख पा रहे हो ना जो ब्लू और ग्रीनिश कलर का रहा है, ये भी पूरी की पूरी नॉर्दर्न लाइट्स ही हैं। और ये पूरी ऊपर बनी हुई है, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। मैंने एक स्कैटर्ड वाली फोटो ली थी जब नॉर्दर्न लाइट पूरी स्कैटर्ड थी आसमान में, तो उसकी आप फोटो स्क्रीन पे देख सकते हो। सो गाइस अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि नॉर्दर्न लाइट्स होती क्या है, तो बेसिकली नॉर्दर्न लाइट्स ना जब स्काई के अंदर सोलर स्टॉर्म आता है ना तो उससे फॉर्म होती है, अलग अलग कलर्स निकलते हैं स्काई के अंदर इस लाइट की फॉर्म के अंदर, तो ये होता है नॉर्दर्न लाइट्स। और ये आप मानोगे नहीं, ये लोग ना स्पेशल प्लान करते हैं कनाडा में, रशिया में, नॉर्वे में, फिनलैंड में, यूएसए में भी, इवन बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ में लोग प्लान करते हैं अपनी ट्रिप इसके अराउंड। बहुत टाइम से लोगों की प्लानिंग शुरू हो जाती है, लोग कैमरा वगैरह अपने ट्राइपॉड जितने भी इनके पास गेयर होता है वो सब लेकर आते हैं नॉर्दर्न लाइट्स को शूट करने के लिए। जैसे फोटोग्राफर्स हो गए, फिल्म मेकर्स हो गए, इन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है नॉर्दर्न लाइट्स को शूट करने का। इवन जो नॉर्मल जो टूरिस्ट वाले प्लेसेस होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है। इवन जब मैं यहाँ पर गया था घोस्ट लेक के अंदर अल्बर्टा में, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। और लोगों से मेरी जब बात भी होती थी तो लोग बताते थे कि हम लोग जो है पिछले 6 महीने से प्लानिंग कर रहे हैं कि मई के अंदर जब नॉर्दर्न लाइट्स आएंगी तब हम स्पेशली अल्बर्टा, कैलगरी ऐसी जगह पर आके हम नॉर्दर्न लाइट्स देखेंगे। सो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, बहुत से लोग आए हैं। और अभी 12:30 हो रहे हैं रात के, बट स्टिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए आए हुए हैं। तो आप देखो कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर अभी भी खड़ी हुई हैं, और लोग अपने पेट्स को लेके भी आए हुए हैं रात को 12:30 बजे नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए। तो आप देखो कितनी सारी यहाँ पर गाड़ियाँ हैं। सो गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये घोस्ट लेक के पास यहाँ पे बहुत से लोग अपनी चेयर्स और टेंट्स वगैरह लगा के भी बैठे हुए हैं नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए। और यहाँ पे पूरा पिकनिक वाला स्पॉट बनाया हुआ है, लोगों ने यहाँ पे खाना पीने का सामान भी लेकर आए हुए हैं पूरी फैमिली के साथ। तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से नॉर्दर्न लाइट्स का भी, और पूरी लेक के ऊपर नॉर्दर्न लाइट्स आ रही हैं। और अगर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो मेरा ये बचपन से सपना था कि मेरे को नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है। मैंने कोई ना फोटो देखी थी इसकी और मेरे को तब से इंटरेस्ट था बचपन से ही कि मेरे को एक बार तो लाइफ में नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है। तो आप ऐसा समझ लो कि ये मेरा एक बकेट लिस्ट में थी चीज़ कि मेरे को लाइव एक्सपीरियंस करना है कि नॉर्दर्न लाइट्स होती कैसे है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ों के अंदर, स्पेस वाली चीज़ों के अंदर, या फिर आपको ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली जगह पसंद है, तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू कि आप ऐसी किसी कंट्री में अपना एक ट्रिप प्लान करो। और अगर आप स्पेशली कनाडा में ऑलरेडी रह रहे हो, कनाडा में या यूएस में, तो आप डेफिनेटली मई से लेके ये जुलाई तक के टाइम में एक बार जब नॉर्दर्न लाइट्स होती है तो बिल्कुल अपना जो है एक ट्रिप प्लान करो ऐसी किसी जगह पे जहां पर आप नॉर्दर्न लाइट्स देख पाओ। सो गाइस होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।